अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एहसन भट्ट बात कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल से रहमान प्रॉपर्टी के नेटवर्क से। आज की मेरी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसा कि आपने मेरी पहली वीडियोस भी देखी है, आपने काफ़ी पसंद किया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं, इसको लाइक करते हैं। आपको किसी भी इन्फॉर्मेशन के बारे में, किसी बैरिया टाउन के बारे में जानना चाहते हैं, आप हमसे रब्ता कीजिएगा। आज का मेरा टॉपिक है बैरिया हाइट्स के बारे में। आपने बैरिया हाइट्स का नाम तो सुना भी होगा, ज़्यादा देखा भी होगा। बैरिया हाइट्स कहाँ पे वाक़ है, ये हार्डली, इसका अगर मैं आपको डिस्टेंस की बात करूँ, बैरिया हाइट्स मेन गेट से हार्डली 10 से 15 मिनट की ड्राइव पर वाक़ है। और जैसा कि बैरिस का नाम भी आपने देखा होगा कि बैरिया हाइट्स कहा जाता है, तो ये इस बैरिया हाइट जो है ये हाइट के ऊपर वाक़ है, जहाँ पे अपार्टमेंट्स आपने अगर आपने देखे होंगे, इसका जो खूबसूरती जो इसने आपने देखी है, बहुत ही आउट क्लास किस्म के इन्होंने अपार्टमेंट्स बैरिया टाउन ने इसको बनाया हुआ है। और माशाल्लाह से काफ़ी लोग जो प्रेफर करते हैं वो बैरिया के अपार्टमेंट्स को ही प्रेफर करते हैं, वहाँ पे रहने के लिए करते हैं। जैसे कि अपने बैरिया टावर्स देखे, वहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं वो काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं बैरिया की प्रॉपर्टी पे। और आज का मेरा टॉपिक भी बैरिया हाइट्स के बारे में, ये 2-बेड अपार्टमेंट्स हैं जो आपके बैरिया हाइट्स में आपको इस वक्त मिल जाते हैं। अच्छा, मैं इसकी आपको लोकेशन की बात करूं तो इसकी जो सराउंडिंग में जो लोकेशन है बहुत ही आउट क्लास है। जैसे कि अली ब्लॉक के बारे में आपने देखा है, अली ब्लॉक जो प्रीसेंट है वो बैरिया हाइट्स के बिल्कुल पास वाक़ है। ग्रैंड जामिया मॉस्क जो है, जो दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद है, वो भी बैरिया हाइट्स के बिल्कुल करीब आपको अगर आप देखते हैं तो बहुत ही करीब आपको वहाँ पे नज़र आती है। इसके अलावा 10A विलास हैं, 11A विलास हैं जो कि बैरिया हाइट्स के बिल्कुल करीब है। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ प्रीसेंट 6 की, प्रीसेंट 8 में काफ़ी माशाल्लाह वहाँ पे फैमिलीज रह रही हैं, काफ़ी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन ज़ोरों पे चल रही है, वो बिल्कुल इसके सराउंडिंग में आते हैं, बैरिया हाइट्स के बिल्कुल करीब आते हैं। अच्छा जी, अब ये 2-बेड हैं और ये तकरीबन 1100 स्क्वायर फुट के हाइस पर ये मौजूद हैं। और इसके पास अगर आप पार्क देखें, जो एम्यूनिटीज़ जो प्रोवाइड की जा रही है बैरिया टाउन, जो इसको एम्यूनिटीज़ आपको प्रोवाइड कर रहा है, वो पार्क्स हैं। आज नीचे अगर आप नीचे देखें तो जितनी शॉप हैं ग्राउंड फ्लोर पे, जिसमें आप अपनी ग्रोसरी, अपना रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं आराम से वो परचेज़ कर सकते हैं। बैरिया हाइट्स के अगर मैं पोजीशन की बात करूँ ना, अगर आपने टावर ए और टावर एच देखा है, टावर ए और एच का बैरिया ने पोजीशन ऑलमोस्ट 6 से 8 महीने हो गए कि इसका पोजीशन बैरिया ने अपने क्लाइंट्स को दे दिया। और इसकी कंस्ट्रक्शन दूसरे जो टावर्स हैं उसकी ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन जो अगर आप देखेंगे बाहर से, मेरे सामने मेरे पीछे वीडियो भी चल रही है, तो अगर आप इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में देखें तो बड़े ज़ोरों से यहाँ पे काम चल रहा है। तो उम्मीद की जाती है कि बैरिया टाउन 1 साल के अंदर अंदर दूसरे टावर्स की पोजीशन भी अपने क्लाइंट्स को इंशाल्लाह ताला दे देगा। तो मेरा आपसे गुजारिश है कि आपको बैरिया हाइट्स के बारे में कोई भी मालूमात लेने जा रहे हैं, कोई आप विज़िट करना चाह रहे हैं, आप नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आप हमारे ऑफिस में आइएगा, मैं आपको अपने साथ विज़िट पे करवाऊँगा इंशाल्लाह ताला। मज़ीद किसी भी वीडियोज़ जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।